In previous class we are doing the book work of chapter number 18. हमने chapter number 18 का book work fill करा था, जो हमारा half of the book work हम कर चुके थे, remaining आज हम complete करेंगे. तो हमने question number जो हमारा था 3, question number 3 के last question किया था F वाला, D वाला. अब D के आगे जो question है वो start करते हैं, question number E. तो ये वाला क्वेश्चन है आप लोगों का, द चिल्ड्रन फॉलोड द टीचर टीचर अप और इनसाइड उसकी लाइन है. तो क्या आता है, अब विद द वर्ड
दुनिया के साथ या अबो या ऊपर, अप अबो द वर्ल्ड सो हाई, क्या है यहाँ पर अबो यानी ऊपर की तरफ बता रहे हो, अबो क्या है इसमें प्रपोजिशन, अब अबो मीन्स उसकी प्लेस बता रहे हैं, अप अबो द वर्ल्ड सो हाई उसकी प्लेस बता रहे हैं, तो प्लेस बताने के लिए हमने क्या यूज किया है प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, तो हमारा आंसर क्या है यहाँ पर क्या बता रहा है ये सेंटेंस हमारा है प्रपोजिशन ऑफ प्लेस को बता रहा है। नेक्स्ट है एच वन I did not know that she was from कोयंबटूर, कोयंबटूर ये आपका क्वेश्चन है। अब इसमें हमें दे रखा है आई डिड नॉट नो दैट शी वॉज, अब वो क्या नहीं जानता है कि वो जो पर्सन है जिसको वो नहीं जानता है कि वो कहाँ से, फ्रॉम कोयंबटूर या विद कोयंबटूर, क्या आना चाहिए कहाँ से है? वो कोयंबटूर से, उसे ये पता नहीं है, तो क्या बताएंगे फ्रॉम कोयंबटूर या विद कोयंबटूर, तो कौन सा प्रपोजिशन यूज करेंगे यहाँ पर, यहाँ पर हम यूज करेंगे फ्रॉम का, क्यों, क्योंकि हम प्लेस को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, फ्रॉम प्लेस के लिए हम क्या बताते हैं फ्रॉम का यूज कर रहे हैं, इसीलिए हम प्लेस को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, इसलिए हमने प्लेस को अंडरलाइन किया, तो यहाँ पे आ जाएगा ये सेंटेंस हमें क्या बता रहा है प्लेस का प्रपोजिशन बता रहा है, प्रपोजिशन ऑफ प्लेस बता रहा है। आई डिड नॉट नो दैट शी वाज फ्रॉम कोयंबटूर। नेक्स्ट इज आई वन माय कजन वेलकम नहीं है वो ये वर्क अपनी नोटबुक में कर लें। थैंक यू।